गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पार्ट 3 संज्ञा। आप सभी बच्चे बुक खोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी सारी चीज़ों के चित्र बने हुए हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं और व्यक्तियों पर नज़र डालो। यहाँ माँ हैं, पिताजी हैं, राहुल है और नेहा के साथ कालीन, मेज, कुर्सी, टेलीविज़न, पुस्तक और बॉल नज़र आ रही है आपको। ये सभी शब्द किसी ना किसी के नाम हैं। इन नाम वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव वाले शब्द हो सकते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के किसी भाव का नाम बताते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, स्थान और वस्तु के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल, लखनऊ, गंगा, मुरादाबाद, किसी का जो नाम होगा उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, विशेष नाम वाले को। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, होली, लाल किला। इसके अलावा पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, देशों के, खेलों आदि के नामों को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात वह पूरी जाति का ही बोध कराते हैं। जैसे कि फूल, फूलों में बहुत सारे फूल हो गए, गुलाब का फूल। अगर गुलाब का फूल है, सूरजमुखी का फूल है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम एक विशेष उसकी बात कर रहे हैं फूल की। अब यहाँ पर फूल, फल, सब्जी, इसमें ये नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा फूल, कौन से फल, कौन सी सब्जी, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उसमें आते हैं। फिर है इसी तरह से स्कूल, छात्र, शिक्षक, पेड़ पौधे, सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों को, दोषों को, अवस्था आदि का बोध कराएं वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मिठास, खुशी, दर्द, बुढ़ापा, बचपन आदि। इसी तरह देखिए, देखिए जैसे ये लाल किला है, इसकी विशालता, पहाड़ों की ऊंचाई, पुष्पों की सुगंध। ये विशालता, ऊंचाई और सुगंध ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसी तरह बचपन, बुढ़ापा, गुस्सा, गर्मी, सर्दी, सुंदरता आदि शब्द भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर। संज्ञा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव का नाम बताते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। संज्ञा के मैंने बताया था अभी कि 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए प्रश्न तीसरा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। मैंने आपको पहले बताया था कि जातिवाचक संज्ञा में किसी पूरी जाति का ही बोध होता है, जैसे फल, फूल, सब्जी, स्कूल, विद्यालय आदि। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में मिठास, खुशी, बचपन, बुढ़ापा, विशालता, सुंदरता आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब देखिए प्रश्न चौथा, दिए गए शब्दों से व्यक्तिवाचक शब्द छांटकर लिखिए। आप सभी बच्चे
इस कार्य को अपनी बुक में फिल करेंगे। मैं इसका फोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। और ये सभी बच्चे खुद करेंगे। नीचे दिए गए प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। इन सभी के नाम आप खुद लिखेंगे। धन्यवाद।